कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है, कई संस्थान में जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है। हम लोगों ने लोकेशन चूज किया और यहाँ इस ब्रांच को खोला ताकि यहाँ बेहतर शिक्षा दिया जाए, बच्चों को बिहार में टॉप 10 में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात एक नए शैक्षणिक संस्थान का शुभारम्भ हो चुका है और आज ही इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के उपलक्ष्य में यहाँ एक बहुत ही बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ मुख्य अतिथियों के साथ साथ क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य लोगों का भी निमंत्रण था, वो भी यहाँ पर ससमय पहुँचे और सभी लोगों ने इस संस्था के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप कुमार को इन्होंने हृदय से शुभकामना दिया है। तो आइए जानते हैं प्राइम न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, किस उद्देश्य से इन्होंने रसीद चकमोड़ सड़क से पूरब सिवान में एक नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इन्होंने बुनियाद रखी है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। संस्था के इस संचालन के पीछे मुख्य आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले प्राइम न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे इस संस्था ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात हमको मिला कि इस क्षेत्र में बहुत सारे गरीब बच्चे, चाहे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है, कई संस्थान में जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है। हम लोगों ने लोकेशन चूज किया और यहाँ इस ब्रांच को खोला ताकि यहाँ बेहतर शिक्षा दिया जाए, बच्चों को बिहार में टॉप 10 में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो देखिए, जो इस ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इन्होंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि हमारी भरपूर यह कोशिश होगी कि छात्रों को एक अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जहां शिक्षा के साथ साथ उन्हें अनुशासन और संस्कार का पाठ भी पढ़ाया जाए। तो आज के समय में जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस की भरमार हो गई है, ऐसे में ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर एक नया सोच और एक नया संकल्प लेकर के छात्र छात्राओं के बीच आया है। तो आज उद्घाटन समारोह था, इस उद्घाटन के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे सर, जितने लोग शरीक हुए उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जितने लोग शामिल हुए मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे सिवान के समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी भी अपना कीमती समय मुझे दिए और हमारे मैथमेटिशियन एम पॉइंट के डायरेक्टर फिरोज सर भी हमारे यहाँ शामिल हुए थे। इसके साथ साथ इस एरिया के सभी अभिभावकगण भी हमारे यहाँ पहुँचे थे एवं छात्र छात्राएं भी। मैं सबको दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। चलिए सर, विषय पर आपका मैं अब ध्यान आकृष्ट करूँगा कि ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर की आपने बुनियाद रखी है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले तमाम प्रकांड लोगों का यहाँ आगमन हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आप एक नया सोच लेकर के आप इस क्षेत्र में आए हैं। तो श्रीनिवास यादव समाज से भी और कई जो है इंस्टीट्यूशंस के जो हेड है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इसके पहले भी आपका एजुकेशनल एक्टिविटी था क्या? जी, इसके पहले भी मैंने गांव में अपना एजुकेशनल संस्था चलाया है। हाँ। और अभी हम ज्ञानदीप बॉयज हॉस्टल करके एक संस्था जिसमें 11th 12th के विद्यार्थी रहते हैं, पिछले 6 वर्षों से सिवान में रामनगर आंध्र ढाला के पास ये संस्था चल रहा है, अभी चल रहा है। तो देखिए, सर ने बताया कि जो बॉयज हॉस्टल है छात्रों के लिए, जो छात्रावास होता है, जो आवासीय विद्यालय होता है, या जो इसके लिए तमाम पर्याप्त सुविधा जो देनी चाहिए वो पहले से देते आ रहे हैं, यानी कि शुरू से इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गहरी अभिरुचि है और इसी अभिरुचि को देखते हुए इन्होंने ये समझा कि यहाँ पर एक आदर्श कोचिंग सेंटर ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर होना चाहिए, उसी उद्देश्य से इन्होंने इसकी स्थापना की है। तो यहाँ क्या क्या आप सुविधा देने जा रहे हैं? हम विद्यार्थियों को सबसे पहले समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, इस पर विशेष फोकस करना है। बच्चे किताबी नॉलेज ज़्यादा रखते हैं लेकिन लोगों से बात करने का तरीका उन लोगों को मालूम नहीं रहता है। नंबर क्लास में सबसे ज़्यादा लाएंगे लेकिन कैसे लोगों से बिहेव करें, कैसे परिवार में रहें, ये अभिरुचि विशेष करके इस पर फोकस किया जाएगा। तथा लड़के लैंग्वेज भाषा हिंदी और इंग्लिश पर बहुत कम फोकस करते हैं, बच्चे मैथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोशल साइंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, साइंस पर ध्यान देते हैं लेकिन अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एग्ज़ाम में 10th तक सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है कि इंग्लिश पे फोकस नहीं करती है।
इंग्लिश को मान्य नहीं रखी है, जिसके चलते बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक हो जाता है। टेंथ बाद जब उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट आते हैं तो उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करता है। कितने बच्चे पढ़ाई उससे आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस का टारगेट रख के आर्ट्स में ढुक जाते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर पर विशेष फोकस, लैंग्वेज पर विशेष फोकस के साथ साथ सभी सिलेबस समय अनुसार ख़त्म किया जाएगा और सभी प्रकाशन के बुक पढ़ाए जाएंगे। NCERT, BTC, भारती भवन, ये सभी प्रकाशन के सिलेबस यहाँ से चलेंगे। तो कुल मिलाकर आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं को व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उन्हें जो है कला, संवाद और भाषा पर विशेष बल देना है ताकि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से, भाषा के शैली से किसी भी क्षेत्र में जा करके अपने प्रतिभा का सही प्रदर्शन कर सकें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके। तो क्या अपील करेंगे सर स्टूडेंट्स और गार्जियन से? सभी को मैं चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को हमारी संस्था से जोड़ें और उनसे पूरे विश्वास के साथ ये कहूँगा कि वो बेहतर रिजल्ट करेंगे और उनको बेहतर रुचि मात्र 15 दिनों के अंदर उनमें दिखाई देगी। किस क्लास से 10th क्लास तक के सभी बच्चों को। चलिए एक बार फिर से हम बताते चलें कि सिवान में ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर की यहाँ शुभ शुभारंभ हो चुकी है, यानी स्थापना हो चुकी है और आज उद्घाटन समारोह में कई महान हस्तियों का आगमन हुआ। शिक्षा जगत से सरोकार रखने वाले तमाम महानुभाव भी वहाँ पहुँचे। सभी लोगों ने इन्हें आशीर्वाद और समर्थन दिया। उम्मीद करते हैं कि आप अपने छात्र छात्राओं को, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं या चाहत रखते हैं तो अविलंब ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर रसीद चक जरूर पहुँचें और आकर के कार्यालय से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, बच्चों का यहाँ पर दाखिला कराएं और उनके छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।